नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी बोर्ड RSSB जयपुर द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 भर्ती 2022 के प्रोविजनल परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों के लिए ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन हेतु डिवीजन शेड्यूल जारी कर दिया गया है और अन्य दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो डिवीजन शेड्यूल क्या है, दिशा निर्देश क्या है, पात्रता जांच को लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती हैं, सामान्य विशेष शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक सीधी भर्ती 2022 को जो दस्तावेज हैं DV हैं उसको लेकर पूरा आदेश और निर्देश जारी कर दिए गए हैं। क्या है पूरी जानकारी, तो देखिए, बोर्ड द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य विशेष शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 सीधी भर्ती 2022 हेतु विज्ञप्ति दिनांक 16/12/2022 को जारी कर कुल 21,000 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इन पदों का संशोधित विवरण दिनांक 19/5/2023 को जारी किया गया। बोर्ड द्वारा इन पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 25/2 यानी कि 25 फरवरी 2023 परीक्षा आयोजित करवाई गई। बोर्ड द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य विशेष शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक सीधी भर्ती 2022 का परीक्षा परिणाम दिनांक 25 मई 2023 एवं संशोधित परीक्षा परिणाम दिनांक 14 जून 2023 को जारी कर 2 गुना अभ्यर्थियों को पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। अब यहां पर देखें, सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच आवेदन पत्र में भरे गए गृह जिले अथवा नजदीकी जिले में दिनांक 5 जुलाई हैं 5 जुलाई 2023 से 17 जुलाई 2023 यानी कि देख लीजिए, यहाँ पर 5 जुलाई 2023 से 17 जुलाई 2023 तक प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा निर्धारित स्थान और तिथि पर करवाए जाएंगे। यानी कि आपकी जो DV होगी वो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक हैं, वहाँ पर जो वह स्थान तय करते हैं या तारीख तय करते हैं वहाँ पर आपकी जो है DV करवाई जाएगी। DV 5 जुलाई से 17 जुलाई 2023 के मध्य करवाई जाएगी, जो 10 बजे से शाम के 6 बजे के बीच होगी। यहाँ पर आपके दस्तावेजों का सत्यापन होगा, पात्रता की जांच आपकी की जाएगी। तो आपने जो ऑनलाइन आवेदन अभी किया नहीं है, स्क्रूटनी फॉर्म वगैरह, अटेंशन फॉर्म वगैरह आपने नहीं भरे तो उनको भी भर लें, कंप्लीट पूरी जानकारी कर लें। इसके बाद आपको जो DV करवाना है वो करवानी होगी। इसके बाद देखिए, दस्तावेज सत्यापन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा दस्तावेज सत्यापन पात्रता जांच हेतु यहां पर देखिए ये लिंक दिया गया है, जो राजशाला दर्पण .nic.in स्टाफ सिलेक्शन पोर्टल पर दिनांक एवं स्थान का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि जो स्टाफ सिलेक्शन पोर्टल है उस पर यहाँ पर दिनांक और स्थान का निर्धारण कर दिया जाएगा, जो संबंधित अभ्यर्थी की लॉगिन में प्रदर्शित होगा तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मोबाइल नंबर, ईमेल पते पर SMS ईमेल के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं प्रेषित की जाएगी। आपको ये सारी सूचनाएं ईमेल और जो मोबाइल नंबर दिए हैं आपने उसको उस पर SMS के द्वारा या ईमेल के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। अतः समस्त अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वह निरंतर चेक करें एवं प्रेषित निर्देशों की पालना करें। अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर, ईमेल बंद होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा। सूचीबद्ध किए गए सभी अभ्यर्थी सारा दर्पण पोर्टल पर लॉगिन ID से लॉगिन कर दस्तावेज सत्यापन की दिनांक समय के संबंध में अद्यतन स्थिति जानकारी प्राप्त करते रहे। यानी कि यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी, यहाँ पर आप इसको चेक करते रहे। इस हेतु अभ्यर्थी को साला दर्पण मॉड्यूल, देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी को साला दर्पण मॉड्यूल दिया हुआ है, जो स्टाफ सिलेक्शन पर इस लिंक के माध्यम से आप जा सकते हैं, पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यानी कि सभी स्टूडेंट जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में फ्रीक्वेंसी, यूजर मैनुअल और आवश्यक निर्देश उक्त पोर्टल पर लिखित रूप में उपलब्ध है। आप वहाँ जाकर जो यूजर मैनुअल हैं वहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हुए हैं, आप उनको पढ़कर अच्छे से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की सूचना, मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित अवधि के कार्य दिवसों में प्रातः 9:30 से सायं 6 बजे तक संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम, वहाँ पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, के दूरभाष पर संपर्क कर सकते हैं। कंट्रोल रूम
के दूरभाष नंबर शाला दर्पण पोर्टल पर भी उपलब्ध है। आप शाला दर्पण से भी ये नंबर ले सकते हैं। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि उस समय समय पर विस्तृत जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट दे रखी है। ये देखिए यहाँ पर www.rsmssp.rajasthan.gov.in एवं ये देखिए यहाँ पर rajshaladarpan.nic.in पर भी अवलोकन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये साइटें भी दी गई हैं जहाँ से आप पूरी जानकारी कर सकते हैं, कंट्रोल रूम के नंबर ले सकते हैं और अन्य जानकारी भी आप कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर जो लेवल वन की DB पात्रता जाँच होनी है, दस्तावेज सत्यापन करवाने हैं, उसको लेकर पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।